दिवाली के खास मौके पर करीना कपूर ने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ उनकी कई फैमिली फोटो भी सामने आई हैं, जिनमें उनके दिवाली सेलिब्रेशन की झलक देखने को मिल रही है। करीना कपूर ने सोशल मीडिया अकाउंट से दिवाली की एक झलक शेयर की है। करीना ने तस्वीरों के साथ लिखा है, ये हम हैं, मेरे परिवार की ओर से आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं, आप पर आशीर्वाद बना रहे। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपने ऑफिस में दिवाली के अवसर पर आरती करते दिख रहे हैं। उनके साथ ऑफिस में काम करने वाले अन्य लोग भी दिख रहे हैं। अक्षय ने वीडियो के साथ एक कैप्शन लिखते हुए अपने सभी फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। अक्षय ने यह भी लिखा है कि दिवाली का त्यौहार उनके लिए साल का सबसे अच्छा दिन होता है। जानवी कपूर हाल ही में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट की गई। पिंक कलर की सूट पहनी जानवी एक्स बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ मुंबई में नजर आई। बता दें कि शिखर पहाड़िया वही शख्स है जिनकी चर्चा करण जौहर ने अपने शो में की थी। करण ने एक बार अपने शो में जानवी और सारा के सामने कहा था कि वे दोनों एक समय पर दो सगे भाइयों को डेट कर चुकी हैं। ये दोनों भाई शिखर और वीर पहाड़िया थे। अब जानवी के साथ शिखर को देखकर ये बात लगभग कन्फर्म हो गई है। देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई गई। इस बीच सोमवार को दिवाली के दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने घर पर दिवाली पार्टी होस्ट की, जिसमें उनके भाई अर्जुन कपूर अपनी लेडी लव यानी मलाइका अरोड़ा के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों ने हाथ में हाथ डाले, धमाकेदार एंट्री ली, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कपल बेहद ग्लैमरस लुक में दिखाई दिया। उर्वशी रोटेला ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटो के साथ एक कैप्शन शेयर किया है। फ्लाइट में बैठी उर्वशी ने अपने कैप्शन में लिखते हुए कहा है कि वो भारी मन से इस जगह को छोड़ रही हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि आगे बढ़ा जाए। फैंस उर्वशी के इस पोस्ट को ऋषभ पंत से जोड़कर देख रहे हैं। ऋषभ पंत इस वक्त टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है।